2023 श्रावण मास का आज तीसरा दिन सायंकालीन आरती के बाद श्री राम साधना अरण्य के पास से भूतनाथेश्वर महादेव के शिखर के दर्शन और इसकी श्री राम साधना अरण्य की कुटिया ये परिक्रमा सावन मास के दौरान इस बार मंगलवार से सावन मास की शुरुआत हुई। 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी, 10 जुलाई को पहला सोमवार रुद्राभिषेक और अन्य कार्यक्रम तभी से जोर शोर से शुरू हो जाएंगे। देवसैनी एकादशी के बाद धरा की देखभाल का भार देवों के देव महादेव के कंधों पे आ जाता है, पूरे चातुर्मास के दौरान वही देखभाल किया करते हैं। ऊपर सामने सूदगद्दी मंदिर, आज जैसा सवेरे पता लगा पंचप्रयाग देवस्थलम पे, जो कि ललता देवी मंदिर के बाहर कुंड के पास है, कुंड पांच स्थान का उसमें जल है। वहां की आरती 7 बजे सायंकाल होती है। पूरा ये व्यू मौसम अपेक्षाकृत काफी सुहावना होते हुए इस समय, जबकि अब से कुछ देर पहले बहुत उमस हो रही थी। और आज देखिए बाबा की हेतु की कृपा महाकाल की प्रेरणा हुई तो आज 7 बजे की आरती में शामिल होने का मौका मिल सकता है, अगर गुरुदेव ने कृपा की। ये धर्म ध्वजा के दर्शन